हाय फ्रेंड्स, मैं गीता सक्सेना फिर आपके साथ हूँ अपना चैनल कुक गीता में। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ फटे हुए दूध की। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए फटा दूध और ये थोड़ा सा दही। तो चलिए मैं बताती हूँ उसके लिए हमें क्या करना है। हमें इसके लिए कुछ भी ज़्यादा नहीं मेहनत करनी, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इस दूध को उठा के इस मिक्सी जार में डालना है और उसको ग्राइंड करना। वो इसलिए अगर हम इसको इसी तरह से दही जमाएंगे तो ये इसका जो ये फटाफटा सा ये सब पूरा अच्छे से नहीं दही जम पाएगा, देखने में बहुत खराब लगेगा। तो इसको हम सबसे पहले इस मिक्सी जार में डालते हैं। तो देखिए इसको मैंने ग्राइंड कर लिया, ये देखिए बिल्कुल एकदम से एक गाढ़ा दूध बिल्कुल बन गया, ये लग नहीं रहा फटा हुआ दूध है। अब हमको क्या करना है, इसको सबसे पहले हमको इस बाउल में डालना है। इसके लिए आपको स्टील का ही बर्तन चाहिए और इसका मैं आपको दही दिखाऊंगी। देखिए कितना बढ़िया गाढ़ा दही जमता है कि आप फिर अच्छे दूध का दही जमाना भूल जाएंगे और इस फटे दूध का ही दही जमाएंगे। अब इसको हमें क्या करना है, गैस चलानी है। उस पे रख के इसको थोड़ा सा हल्का गुनगुना करना है। ये देखिए ये कितना गाढ़ा है, इसका दही बहुत ही टेस्टी जमेगा, बहुत ही अच्छा जमेगा। बस इसको इतना गर्म करना है कि हम लोग इसमें अपनी इमली डाल सके। अभी नहीं गर्म है, थोड़ा सा गर्म हो जाए। ये देखिए दूध मैंने गुनगुना कर लिया है। अब ये जो दही है इसको भी हमको हल्का सा गर्म करना है, इसमें ठंडा दही नहीं डालना है, इसको हल्का सा गर्म करना है। इस ट्रिक से आप दही जमाएंगे, बहुत ही अच्छा दही जमेगा, बहुत ही गाढ़ा एकदम थक्केदार। बस इसको बहुत हल्का गुनगुना करना है, बस इतनी ही देर। अभी हमारा दूध है फटा हुआ, उसमें हमको दही को इस तरह से बिल्कुल बीचों बीच में डाल और इसको हिलाना नहीं बिल्कुल भी। अब इसको किसी बर्तन से ढक के इसको और ऐसे ही रख देना जहाँ की कोई गर्म जगह हो। जैसे वैसे तो किचन ही गर्म सबसे जगह होती है, तो मैं किचन में ही रख रही हूँ। अगर आपका किचन बाहर साइड में खुला हुआ है तो आप किचन रख के कहीं अंदर रूम रख लीजिए जहाँ की गर्म बना रहे और 8 से 10 घंटे बाद इसको देखिए तो बहुत ही अच्छा दही जमा मिलेगा। तो ये वीडियो देख कर आप कभी भी अपना दूध फेंकेंगी नहीं और हमेशा इसी तरीके से दही जमाएंगी। तो अगर आपको ये दही जमा हो जब मैं दिखाऊंगी, कल दिखाऊंगी मैं इसको 8 से 10 घंटे बाद, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और एक बार इस ट्रिक से दही जमा जरूर।